सरकार को इसको वापस लेना पड़ेगा। अगर सरकार अगर शांति से मानती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना देश के अभी तो सिर्फ ये समझ लो कि ट्रेलर है, आने वाले टाइम में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और दिल्ली को पूरे तरीके से सीज किया जाएगा। कल को अगर उन्होंने अगर कुछ तांडव कर दिया, अगर दिल्ली में या कहीं भी अगर ट्रेन फूंक दी, तो सरकार कहेगी कि ये देश सेवा के लायक नहीं है। जो युवा आगजनी नहीं कर रहे हैं नौकरी, उनको भी सरकार नहीं दे रही है बात, उनकी भी जो है सरकार नहीं मान रही है। सरकार जो है बिन पेंदे की है, शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। एक कौम हमारे देश में ऐसी है अंधभक्तों वाली, उनको हर कानून समझ आता है। अरे जिनके लिए कानून बनता है उनको समझ नहीं आता है, आपको कैसे समझ आता है? वो समझते हैं कि हम ही समझदार हैं और सारे मूर्ख हैं। नहीं, ये 40-40 साल के 60-60 साल के जो बुड्ढे हैं वो बता रहे हैं कि जो है टीओडी सही है, युवाओं के लिए देश हित में है। अरे तुम्हें कैसे पता है देश हित में है? अगर कुछ लोग अगर सोचते हैं कि हम जो है हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। जो रिटायर्ड फौजी ये फायदे बता रहे हैं, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो वो जो पेंशन ले रहे हैं, जो भत्ते ले रहे हैं, वो सबसे पहले वो लेना बंद करें, उसके बाद में जो है ये फायदे बताएं। ऐसा है, किसानों का खून नरम था लेकिन युवाओं का खून गर्म है। मैं मानता हूँ कि ये आगजनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं यही कहूँगा कि सरकार भी जो है इसके लिए दोषी है, और सरकार इसलिए दोषी है क्योंकि बार बार युवाओं ने जो है सरकार को चेताया लेकिन सरकार को समझ नहीं आया। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी देखिए जबर किसी का फैशन नहीं है आग लगाना। सरकार मजबूर करती है युवाओं को कि वो जो है इस तरह से जो है वो उग्र आंदोलन करें। मैं आपको बता दूं कि युवाओं ने पहले जो है ट्विटर के ऊपर जो है कई बार जो है इस मुद्दे को ट्रेंड करवाया, उसके बाद में जो है दिल्ली तक यहाँ पर जंतर मंतर पे आए, कई बार हमने आंदोलन किया, लेकिन उसके बावजूद जो है सरकार, ये कुंभकर्ण की नींद सो रही सरकार, इन्होंने एक बार भी जो है इसके ऊपर जो है इस मुद्दे के ऊपर जो है बातचीत नहीं करी। आखिरकार युवा करेगा क्या? और जिस तरीके से इन्होंने ये फैसला किया कि जो है 4 साल के लिए, मैं आपको बता दूं कि जिन युवाओं का सब कुछ फिट हो चुका था, सिर्फ जॉइनिंग बाकी थी, उन युवाओं के ऊपर क्या बीत रही होगी आप खुद सोचिए। अगर इन नेताओं को कह दिया जाए कि आपको सिर्फ 2 साल के लिए रखा जाएगा और उसके बाद में जो है आपको साइड में जो है हटा दिया जाएगा, आपको कोई पेंशन नहीं दी जाएगी, आपको कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा, आपको कोई सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी, तो इनके ऊपर क्या बीतेगा? लेकिन सर मौका तो मिलेगा ना युवाओं को बड़ी संख्या में? देखिए, कोई मौका नहीं मिलेगा, इससे बेरोजगारी उल्टा ज़्यादा बढ़ेगी, और कोई मौका नहीं मिलेगा इससे भ्रष्टाचार, करप्शन, और जो जिस तरीके से जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी जो गुलामी है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो कह रहे हैं कि 25% लेंगे, तो वो 25% उन्हीं लोगों को लिया जाएगा जो बड़े बड़े अफसरों के जो तलवे चाटेंगे, जो वहाँ पे उनको घूस देंगे, उन्हीं को लिया जाएगा। तो आप खुश नहीं हैं अग्निपथ योजना से? बिल्कुल हम खुश नहीं हैं, सरकार को इसको वापस लेना पड़ेगा। अगर सरकार अगर शांति से मानती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना देश के अभी तो सिर्फ ये समझ लो कि ट्रेलर है, आने वाले टाइम में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और दिल्ली को पूरे तरीके से सीज किया जाएगा। आपने तैयारी करी है जाने की? बिल्कुल हमने की है, और मैं आपको बता दूं कि मैं SSCGD 2018 का स्टूडेंट हूं। सरकार कहती है कि उग्र आंदोलन कर रहे हैं युवा, मैं आपको बता दूं कि SSCGD 2018 का युवा पिछले 18 महीनों से आंदोलन कर रहा है, 3 महीने नागपुर में भूख हड़ताल पे बैठा था, अभी नागपुर से दिल्ली के लिए पैदल मार्च कर रहा है 1068 किलोमीटर, लेकिन सरकार एक बार भी जो है बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि वरुण गांधी जी से लेके प्रियंका गांधी जी से लेके जो है बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े मंत्रियों ने जो है उनके लिए ट्वीट किए हैं, मीडिया ने भी जो है उनकी आवाज़ उठाई है, लेकिन सरकार जो है बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। कल को अगर उन्होंने अगर कुछ तांडव कर दिया, अगर दिल्ली में या कहीं भी अगर ट्रेन फूंक दी, तो सरकार कहेगी कि ये देश सेवा के लायक नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो आगजनी कर रहे हैं ना ये युवा, इनको नौकरी कहीं नहीं मिलनी चाहिए पूरे देश में। देखिए, ये बिल्कुल गलत है, मैंने कहा ना, जो युवा आगजनी नहीं कर रहे हैं नौकरी, उनको भी सरकार नहीं दे रही है बात, उनकी भी जो है सरकार नहीं मान रही है। सरकार जो है बिन पेंदे की है, सरकार किधर भी नहीं है। जो कहते हैं कि ये उग्र आंदोलन कर रहे हैं, तो एक आंदोलन मैंने अभी जैसे कि बताया SSCGD 2018 का, जो नागपुर से दिल्ली पैदल
चल रहे हैं, लगातार उनकी तबीयत खराब हो रही है, लगातार जो है उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जा रहा है, एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही है। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। तो कोई भी युवा जो है जबरदस्ती जो है कोई आग नहीं लगाता, कोई नहीं चाहता कि हमारे देश की संपत्ति का नुकसान हो। साल से वैकेंसी नहीं निकली, अब वैकेंसी निकाली तो 4 साल के लिए बेरोजगारों का मजाक बनाया जा रहा है क्या? देखिए बिल्कुल पूरे तरीके से मैं आपको बता दूं कि हमारे देश का निजीकरण किया जा रहा है, और एक कौम हमारे देश में ऐसी है अंधभक्तों वाली, उनको हर कानून समझ आता है। अरे जिनके लिए कानून बनता है उनको समझ नहीं आता है, आपको कैसे समझ आता है? वो समझते हैं कि हम ही समझदार हैं और सारे मूर्ख हैं। किसानों के लिए कानून आया, किसानों को समझ नहीं आया, लेकिन उन्हें अंधभक्तों को जो है समझ आ गया। युवाओं के लिए जो है ये TOD लेके आए, युवाओं को समझ नहीं आया। मुझे एक भी 18 से लेके 21 साल के युवा को बता दो जो इसके समर्थन में हो कि TOD हमारे लिए सही है। टीवी तो बता रहा है ना, ये 40 साल के 60 साल के जो बुड्ढे हैं वो बता रहे हैं कि जो है TOD सही है, युवाओं के लिए देश हित में है। अरे तुम्हें कैसे पता है देश हित में है? टेलीविजन पे प्रतियोगिता चल रही है, प्रतिनिधि बैठे हैं, इसके फायदे बता रहे हैं। देखिए कोई फायदा नहीं है, जब से TOD लागू किया है लगभग 50+ लड़कों ने जो है आत्महत्या कर ली। मैं पूछना चाहता हूँ इस केंद्र सरकार से, अरे उन आत्महत्या का जिम्मेदार कौन है? पूरे तरीके से जो है केंद्र सरकार जिम्मेदार है। किसान आंदोलन हुआ, 700+ किसान जो है मारे गए, उनका जिम्मेदार कौन था? केंद्र सरकार है। लेकिन सर मोदी भक्ति तो कम नहीं हो रही देश में? देखिए मैं वही कह रहा हूँ, इस देश में सिर्फ धर्म के नाम पे, जातिवाद के नाम पे बस उसी तरीके से जो है युवाओं को जो है बहकाया जा रहा है, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ लोग अगर सोचते हैं कि हम जो है हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। इसका फौजी टीवी पर बैठकर इसके फायदे बता रहे हैं, बड़ी अच्छा ही बता रहे हैं। जो रिटायर्ड फौजी ये फायदे बता रहे हैं, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो वो जो पेंशन ले रहे हैं, जो भत्ते ले रहे हैं, वो सबसे पहले वो लेना बंद करें, उसके बाद में जो है ये फायदे बताएं। कह रहे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका मिलेगा, सेना यंग होगी हमारी। कोई मौका नहीं मिलेगा, 4 साल के बाद में बेदखल कर दिया जाएगा, और ये कह रहे हैं कि हम 11 लाख देंगे। अरे भैया मैं आपको बता दूं, 3-3 बजे उठना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, ऐसे ही जो है आर्मी में नहीं लगते। 500 लोग जब दौड़ करते हैं, 15 लोग जो है दौड़ में निकल पाते हैं, और उसमें से भी सिर्फ 5 लोग जो है वहाँ पे जो है पास हो पाते हैं। क्या माँ बाप देश शहीद होने के लिए भेजेंगे अपने बच्चों को बॉर्डर पे? देखिए कोई नहीं भेजेगा, अगर इस तरह से अगर सरकार स्कीम लेके आएगी कोई नहीं भेजेगा, 4 साल के लिए कौन जाएगा? ये बात कर रहे हैं कि हम पैसे दे रहे, अरे पैसे के कमाने के लिए हम नहीं जाते हैं, हमारे अंदर देश सेवा करने का जोश जुनून जज्बा है। और मैं SSC GD का छात्र हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार अगर 60,210 वैकेंसी निकाली थी, 55,000 फिलअप करी, 5,000 जो है रिक्त छोड़ दी। हमारी मांग सिर्फ इतनी थी कि सरकार जो है पूरी तो वैकेंसी फिलअप करे, और हमने ये भी कहा कि 2 साल के लिए जो है हम 1 रुपया सरकार से जो है नहीं लेंगे, लेकिन हमें देश सेवा का मौका दिया जाए, हमें सरहद पे जाने का मौका दिया जाए। जो बैकलॉग है अभी पुराने, अभी तो वो भी फिल नहीं हुए हैं, ये नई अग्निपथ योजना लिया है। देखिए ये सिर्फ युवाओं को गुमराह करने का काम है, लेकिन मैं आपको बता दूं युवा गुमराह नहीं होगा, युवा जो है जागरूक हो चुका है, इनकी बातों में नहीं आने वाला है। और आप ट्रेलर आप देख चुके हैं कि देश के हर एक कोने में जो है आंदोलन हो रहा है, और अगर सरकार अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो आने वाले टाइम में जो है आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और देखिए मैं अभी तो केस हो रहे हैं, जेल में ठूसा जा रहा है आपको। देखिए ये सिर्फ डराने और धमकाने की जो है जो साजिश है सरकार, वो हमेशा करती है। पहले भी जब हमने आंदोलन किया यहाँ पे, बार बार जो है हमारे को यहाँ से जो है उठा के जो है जेल में बंद कर दिया, हमें डराया गया, हमें धमकाया गया, यहाँ तक कि हमारी बहनों के जो है कपड़े फाड़ दिए गए, हमारे युवाओं पे जो है लठ मारे गए, लाठियां बाजी गई। किसानों ने शांतिपूर्वक आंदोलन किया तो उनको सफलता मिल गई, लेकिन आप तरीका थोड़ा गलत है। देखिए ऐसा है, किसानों का खून नरम था लेकिन युवाओं का खून गर्म है। मैं मानता हूँ कि ये आगजनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं यही कहूँगा कि सरकार भी जो है इसके लिए दोषी है, और सरकार इसलिए दोषी है क्योंकि बार बार युवाओं ने जो है सरकार को चेताया, लेकिन सरकार को समझ नहीं आया। कहीं कहीं गोली भी चलने लगी है हरियाणा में, UP में। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि शांतिपूर्वक आंदोलन करूँ, मैं भी आपको बताता हूँ, अभी कुछ देर पहले हमारे कुछ साथी यहाँ पे जंतर मंतर गए थे, वहाँ से उनको भगा दिया गया कि आप जो है यहाँ पे आंदोलन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप एक तरफ तो कहते हो शांतिपूर्वक आंदोलन करो और दूसरी तरफ हमें जो है बैठने नहीं दिया जा रहा है, तो ये किस तरह की राजनीति कर रहे हो आप?